गुड मॉर्निंग नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? उम्मीद है मज़े में होंगे। मैं भी आपकी दुआओं की वजह से जो बिल्कुल परफेक्ट हूँ और बहुत ही एनर्जेटिक अंदाज से तैयार हूँ आज आपके लिए शो करने के लिए, क्योंकि आपको बताना है कि आज का आपका दिन कैसा गुजरेगा। कई दफ़ा ये होता है कि आपकी तबीयत डाउन होती है, फ्लू होता है, काफ़ी कुछ होता है हर किसी की ज़िंदगी में, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी मोटिवेशन ये होती है कि रोज़ रेडी होना है, आपके सामने आना है और आपको बताना है कि आज आपका दिन कैसा गुजरेगा। क्योंकि जो इस सीट पर होता है, जो आपके लिए जो भी शोज हो रहे हैं, जो भी चल रहे हैं, वो हमारी ये लॉजिक होती है कि देखने वालों का दिन अच्छा गुजरे, और बस यही है कि यहाँ का हक ऐसे ही अदा हो जाता है। आज आपको बताएंगे कि कौन है स्टार ऑफ द डे। सबसे पहला सवाल यही करेंगे, क्योंकि पिछले दिन में कुछ शिकायतें आई हैं, जी हमें पता ही नहीं चलता, लेट हो जाते ये और वो, तो आज फोकस रखेंगे हम होरोस्कोप पे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर जमोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का बड़ा करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है, सबाहत परवरदिगार जो रिस्क देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है। यकीनन हम अल्लाह ताला की जितनी भी नेमतों का शुक्र अदा करें कम है, और फिर अल्लाह ताला से मैं समझता हूँ कि हर वक्त अस्तगफार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने बंदे की तौबा बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला इतना खुश होता है जब बंदा अपने अल्लाह से तौबा मांगता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह ताला इसी तरह खुश होता है जिस तरह किसी इंसान की गुमशुदा कोई चीज़ जब उसको मिल जाती है तो वो खुश होता है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे की माफ़ी इसमें कब माफ़ी जब मांगता है बंदा, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो यकीनन मैं समझता हूँ जो जो इंसान इंकसारी से काम लेते हैं, जिनके अंदर आजजी होती है, जो दूसरों का एहसास करते हैं, जो असीला रहमी करते हैं, जो मोहब्बत बांटते हैं, जो चाहत खलूस के साथ दूसरों का दुख दर्द बांटते हैं, तो ऐसे ही लोग मैं समझता हूँ कि इंसान कहलाते हैं, और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होता है सब। और कई दफ़ा ये होता है कि हम कहते हैं कि या अल्लाह हमारे इतने गुनाह हैं, बल्कि कई लोग या अल्लाह तो बोलते ही नहीं है, आपस में बैठे हुए इतने सारे गुनाह हैं, हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे दोबारा वो गुनाह करें, तो अल्लाह मियाँ नहीं कहेगा कि हम माफ़ी मांगते हैं फिर वापस आ जाते हैं? तो भाई वो आपका रब है, इसलिए वो अल्लाह है कि आपको अल्लाह ताला आप जब जब उसकी बारगाह में एक्चुअल आंसू बहाएंगे और माफ़ी आपकी सच्ची होगी, अब अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगारी जो है वो आपकी सच्ची होगी, तो अल्लाह आपको माफ़ करेगा। क्योंकि शैतानी वसवसा होता है ना, इंसान कहता है कि हम अभी मतलब माफ़ी मांगेंगे दोबारा, इंसान तो खता का पुतला है। आपको सिर्फ ये है कि आप अल्लाह ताला से जेन्युइन माफ़ी मांगे, तो अल्लाह क्यों नहीं माफ़ करेगा? इसलिए वो रब है और आप इंसान हैं। इंसान सिर्फ ये कर सकता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल करे, बाकी सब कुछ तो अल्लाह ताला बेशक आपको माफ़ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और कॉन्स्टेंट माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी उर्दू की टीचर थी, वो कहती थी कि रोज़ सोने से पहले आप ये सोचा करें कि आपने पूरे दिन में क्या किया है, आपकी गलतियाँ, अगर 10 गलतियाँ आप ये तहैया कर लें कि दूसरे दिन जो है ना वो उसमें से 2 आप कम करेंगे, और अपना एस्टिमेट लगाया करें कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, गुनाह हैं। गुनाह तो एक बिल्कुल ही अलग बात है। कई दफ़ा ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स से ऊँचे आवाज़ में बात कर लेते हैं, इर्द गिर्द अपनी वर्क प्लेस पर लोगों के साथ ज़्यादती कर लेते हैं, तो सोने से पहले ना ये अपना आप एस्टिमेट किया करें कि आपने किया क्या है, अगले दिन कोशिश करें कि वो चीज़ ना करें, तो कतरा कतरा दरिया बनता है, आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपने से बुराइयाँ ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है अल्लाह की ज़ात के अलावा। स्टार्ट करेंगे हमारा शो इस दुआ से कि तमाम स्टार्स की पोजिशन हो परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त, और जानते हैं कि कौन है आज स्टार ऑफ द डे। जी थैंक यू। स्टार ऑफ द डे सेक्रेटरीज, जिसे मुश्तरी बुज पॉस कहते हैं, फायर साइन पर्सनैलिटी, वेल जबरदस्त पोजीशन है इनके स्टार की, लक हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ साथ इनके फर्स्ट एंड टेंथ हाउस की पोजीशन भी वंडरफुल जबरदस्त। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होंगे सेक्रेटरीज के लिए, बिजनेस के हवाले से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डील करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो ये टाइमिंग अच्छी बन रही है सेक्रेटरीज के लिए। लक हाउस की पोजिशन बहुत ही ज़बरदस्त है, फर्स्ट हाउस भी अच्छा है, पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा काउंट करेगी इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के हवाले से। रूहानी सफर देख रहा हूँ 2018 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर इनके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होगा। एरीज एंड लियोज इनके अच्छे एडवाइजर, अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे इवन के लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हैं। व्हाइट चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। फिरोजा इनका बर्थ स्टोन है, अगर ये वेयर करते तो डेफिनेटली ये स्टोन इनको रूहानी पावर प्रोवाइड करेगा, नजरे बसे बंदिशा से इनको सेफ रखेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह आले इमरान, सूरह बनी इसराइल एंड सूरह वाकिया की तिलावत करना इनके लिए बायस से बरकत होगा। जबरदस्त जी। और आज एक मजे की बात बताऊं, मैं घर से निकलने से पहले मेरी बहन ने कहा था कि पूछ के आइएगा आप ही के सेक्रेटेरियस का आज का दिन कैसे गुजरेगा, अगर नहीं पूछ के आए तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं उसको सबसे पहले यहाँ से निकलते ही फोन करके बताऊंगी, अच्छा आप जो है वो स्टार ऑफ द डे थी तो आज आपके बारे में बात हो गई है। कई लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि आप हमारे स्टार के बारे में तो बताते ही नहीं है, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं, तो आज तो लकीली जो है वो सेक्रेटेरियस स्टार ऑफ द डे हैं। जबरदस्त जी, कॉलर भी हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं सबा फातिमा बात कर रही हूँ, लाहौर से। सबा फातिमा बात कर रही हैं लाहौर से जी। सबा क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अली भाई से बात करना चाह रही थी। जरूर कीजिए।
السلام علیکم. وعلیکم السلام صبا فاطمہ, تھینک یو فار یور کالنگ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہوں, کیا کوسچن ہے آپ کا؟ لاہور سے بات کر رہی ہیں جی, لاہوری ہیں یہ. اچھا لاہور سے بات کر رہی ہوں, کیسے ہیں علی بھائی, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, دعائیں آپ کی میری بہن, تھینک یو. جی علی بھائی, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی اور ماشاء اللہ سے میرے ہسبینڈ کے ساتھ اب میری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. بہت کرائسس تھے ہم لوگوں کی لائف میں اور اب ہم لوگوں نے باہر امریکہ جانے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ویزے کا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمارا ہو جائے گا یا نہیں. آپ اپنی ڈیٹیلس بتائیں اور اپنے ہسبینڈ کی بھی بتائیں. جی میری والدہ کا نام ہے فوزیہ سلطانہ. فوزیہ سلطانہ جی جی, اور شکر ہے اللہ کا, مطلب تھوڑا سا ایک چینج, یعنی تو اکثر رضیہ سلطانہ ایک نام ہی ہو گیا ہے ہمارے یہاں, کافی زیادہ جو رضیہ سلطانہ ہی ہوتا ہے. ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا آپ نا اپنی. جی 14th of November 14th of November 1985 ٹھیک ہے. آپ کے ہسبینڈ کا نام؟ جی شہریار. شہریار. اور والدہ کا نام کلثوم. کلثوم. اور ڈیٹ آف برتھ؟ 19th of August 1980 ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار کالنگ, اللہ حافظ. جی صبا فاطمہ 14 November شی از اسکارپیو, واٹر سائن پرسنالٹی سے بلانگ کر رہی ہیں ہماری سسٹر. ان کا زوڈک سائن مارس, لکی نمبر 9 اینڈ ٹیوزڈے ان کا لکی ڈے ہے. لک ہاؤس اچھا بن رہا ہے, سیونتھ ہاؤس کی پوزیشن بہت زبردست ہے. ان کا اسٹار ان کے ہسبینڈ کو بہت زیادہ راس آئے گا انشاءاللہ, اور خوشیاں کامیابی ان کے بھی قریب آ رہی ہیں. اکتوبر نومبر کے مہینے صبا میری بہن آپ کے لیے اچھے بن رہے ہیں. اس وقت آپ کے سیونتھ ہاؤس کی پوزیشن بہت ہی اسٹرانگ ہوگی, پرسنل وش آپ کی پوری ہو رہی ہوں گی. آپ کا ہاتھ, آپ کا قدم آپ کے ہسبینڈ کے لیے, آپ کے ان لاس کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا. زیادہ سے زیادہ یلو کلر کی جو کا صدقہ دینا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا. ریڈ عقیق یا پھر یلو سفائے, دونوں میں سے کوئی بھی ایک اسٹون ویئر کرنا آپ کے لیے بہت مبارک رہے گا. آپ کے ہسبینڈ شہریار 9 August ہی از لیو, شمس برج اسد سے بلانگ کر رہے ہیں. ان کا زوڈک سائن سن, لکی نمبر ان کا 1 اینڈ سنڈے ان کا لکی ڈے ہے. 10th ہاؤس اسپیسیفکلی اچھا بن رہا ہے, بزنس کے حوالے سے اچھی اپرچونیٹیز ان کو مل رہے ہیں. اگر کوئی بھی بزنس کرنے کا ارادہ ہے یا ابراڈ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں یا باہر سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو اچھی اپرچونیٹیز ان کو مل رہے ہیں. ایریز اینڈ سیگٹیریس سے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ان سے ہیلپ لینا, ان سے ایڈوائز لینا آپ کے ہسبینڈ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. یلو سفائر یا پھر ریڈ عقیق پہننا آپ کے ہسبینڈ کے لیے بہت ہی مبارک رہے گا. ریڈ چیزوں کا صدقہ دینا آپ کے ہسبینڈ کے لیے باعث برکت ہوگا. کنٹینیوسلی اگر شہریار سورہ و شمس سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے رزق کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ان کے کاموں میں آسانی کے حوالے سے بہت ہی مبارک ثابت ہوگا قرآن پاک کی کنٹینیوسلی تلاوت کرنا. پرفیکٹ جی, اب چلتے ہیں ہوروسکوپ کی جانب. جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہمارا زیادہ تر فوکس رہے گا سٹارز پہ اور ڈسکس کریں گے ہوروسکوپ, کیونکہ لوگوں کی شکایتیں بھی تو دور کرنی ہے. تو جانتے ہیں ایریز جو کہ فائر سائن پرسنالٹی کے, آج کا ان کا دن کیسا گزرے گا, کون سی چیزیں ان کو کرنی چاہیے اور کون سے کاموں سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. جی ویل ایریز جسے مریخ برج حمل کہتے ہیں, ان کا زوڈک سائن مارس, اگر ہم ان کے زائچے کی پوزیشن دیکھتے ہیں, ان کے اسٹار کی پوزیشن, کون سے ہاؤسز ان کے اسٹرانگ ہے, لک ہاؤس, اس کے ساتھ ساتھ ان کا سیونتھ اینڈ نائنتھ ہاؤس بہت اچھا ہے. خوشیوں کا, آنر, عزت, رسپیکٹ کا اور قسمت کا ہاؤس, یہ ہاؤس اس وقت ان کے اچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اچھا ٹائم اسٹارٹ ہو رہے ہیں. 15 September سے اچھی ٹائمنگ ان کی انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہی ہے. خوشیاں کامیابیاں مل رہی ہیں, جو بھی ان کی پرسنل وش ہے وہ پوری ہو رہی ہے. کچھ اچھے سٹار ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں خاص طور پر لیوز اینڈ سیکریٹریس سے ان کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے. 2018 کا فرسٹ کوارٹر ان کے لیے بہت ہی مبارک رہے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی ان کی کوئی پرسنل وش ہیں, تعلیم, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں, کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو 100% کامیاب رہیں گے. روبی ان کے لیے سجیسٹ کروں گا, جسے ہم سرخ یاقوت کہتے ہیں, ریڈ چیز کا صدقہ دینا ان کے لیے بہت مبارک رہے گا. زیادہ سے زیادہ سورہ مزمل, سورہ ملک اینڈ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا ایریز کے لیے باعث برکت ہوگا. ٹھیک ہے جناب, چلتے ہیں ٹورس کی جانب جو کہ ہے ارتھ سائن پرسنالٹی کے, آج کا ان کا دن کیسا گزرے گا. جی ارتھ سائن پرسنالٹی ٹورس, جسے ہم زہرہ برج سور کہتے ہیں, ان کا زوڈک سائن وینس, لکی نمبر ان کا 6 اینڈ فرائیڈے ان کا لکی ڈے ہے. لک ہاؤس ان کا اچھا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے 11th ہاؤس کی پوزیشن بہت ہی زبردست ہے. 8th ہاؤس بھی ان کا اچھا بن رہا ہے, دا ہاؤس آف لائف, دا ہاؤس آف فرینڈ, دا ہاؤس آف لک, دوستوں کا ساتھ رہے گا, دوست ان کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ورگو اینڈ کیپریکون ان کے اچھے فرینڈ ثابت ہوں گے, ان سے مشورہ لینا,
इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना इनके लिए अच्छा साबित होगा। सिक्स हाउस थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ग्रीन चीज़ का सदका देना आपके लिए बाय से बरकत होगा। हर किस्म की नज़रें बस से बंदिशा से टॉरियन सेफ रहेंगे। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स इनका बर्थ स्टोन बनता है, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ये स्टोन इनको फिजिकली तौर पर एक तो रूहानी पावर प्रोवाइड करेगा, नज़रें बस से बंदिशा से सेफ रखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य रहमान सूर्य मुल्क एंड सूर्य मुजम्मिल की तिलावत करना इनके लिए बाय से बरकत होगा। ठीक है जनाब, चलेंगे जेमिनाई की तरफ। मैं चाह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी पता कर लेना कि क्या क्या हो रहा है, और ऑफकोर्स जेमिनाई तक मुझे ज़्यादा जल्दी जाना होता है। तो एयर साइन पर्सनैलिटी जेमिनाई के हवाले से पूछेंगे कि आज कौन का दिन कैसा गुजरेगा। जी वेल आज इंशाल्लाह 12 जॉडी को जरूर हम रीड करेंगे और अच्छा रहेगा जब हम कंप्लीट पूरे। बड़ी खुशी से महसूस होती है ना कि एक ऐसा लगता है कि कोई हमें चैलेंज दिया गया था वो कंप्लीट कर लिया है। तो बस बातें आज थोड़ी सी कम करेंगे क्योंकि हम दोनों ही माशाल्लाह किसी भी टॉपिक को एक होता है एक नेचुरली चीज़ है कि जब आपके ओपिनियंस होते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन भी रखें, एक नॉर्मल टॉपिक्स पर भी बात करें कि ताकि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि नहीं तो आप अपना जानेंगे साइन, आप बोलेंगे ठीक है दूसरों के बारे में क्यों। तो हम आपको भी थोड़ा सा क्यूरियस रखते हैं और जानते हैं जेमिनाई जो कोई बड़ी कामयाबी इनको मिल रही है और एंड ऑफ दिस ईयर तक 80-90% वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जो इनकी पर्सनल विश में शुमार है, जो इनकी प्लानिंग है, जो इनका एम ऑफ लाइफ है, जो भी इनका ऑब्जेक्टिव्स है, डेफिनेटली बड़ी तेज़ी से ये कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसमें इनको अच्छे दोस्त साथ दे रहे हैं, जिसमें पाइसिस लिब्रा एंड थर्ड एक्वेरियस से इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। नाइन्थ हाउस बहुत अच्छा है, ये साल पॉपुलैरिटी का है, ऑनर इज्जत रिस्पेक्ट का साल साबित होगा। 2018 बिजनेस के हवाले से इनके लिए बड़ा मुबारक रहेगा। सेवन्थ हाउस बहुत अच्छा है, पर्सनल विश लाइकिंग मोहब्बत चाहत रोमांस में जो भी इनकी कुछ फीलिंग्स है या किसी खास जगह या कोई प्रपोजल भेजना चाहते हैं या कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी अच्छे दोस्त का या कोई अच्छे प्रपोजल का, तो 100% इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। सेवन्थ हाउस इनका अच्छा है, मैरिज के हवाले से भी ये साल इनके लिए अच्छा साबित होगा। ग्रीन चीज़ों का सदका देना बाय से बरकत होगा। एमरल्ड या फिर ओनेक्स दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। सूरह निसा सूरह यूसुफ की तिलावत करना इनके लिए बाय से बरकत होगा इंशाल्लाह जी। और जैसे एनर्जेटिकली मैंने सवाल पूछा था उतनी ही एनर्जी से माशाल्लाह से इनका इनकी तरफ से जो है वो जवाब आया और पूरा जमना जो है वो खुश हो गए होंगे कि वाह आज तो बहुत कुछ पता चल गया। इंशाल्लाह सब चीज़ें ये हो और सबके हक में सारी चीज़ें बेहतर हो। हमारी तो यही दुआ रहती है कि तमाम स्टार्स की पोजिशन स्ट्रॉन्ग और अच्छी हो। कॉलर है हमारे पास जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूं लाहौर से। जी जी मैंने इतनी जरा एनर्जी से आपको सलाम किया, दोबारा मैं करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। दुआएं आपकी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? जी जी यही पूछना था, अपनी सेहत के हवाले से पूछना था। अच्छा ठीक है, सही। आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। मोहम्मद आसिफ साहब बात कर रहे हैं लाहौर से। आपकी वालदा का नाम? शाहिदा बीबी। शाहिदा बीबी सही। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 5 दिसंबर 1987। 5th of December 1987 सही है। आपका मसला? बहुत बीमार रहता हूँ, जो है ब्लड प्रेशर खांसी ये वो बहुत प्रॉब्लम रहती है। अभी से ये पूछना था कि कोई स्टोन बता दें या फिर कोई वजह बता दें। मेडिकल से ट्रीटमेंट बहुत करवा रहा हूँ लेकिन कहीं से कोई फायदा होता नहीं है। अगर होता तो तब वक्ती तौर का होता है। सही, तो शायद कोई रूहानी इलाज बता दें या फिर कुछ इसमें ऐसा मुझे बता दें जिससे अल्लाह पाक की रहमत हो जाए। इंशाल्लाह जी हम आपको बताएंगे और वैसे आप खुश रहने की कोशिश किया करें। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, खुश रहना चाहिए। अब ख़ास तौर पर बीमारी में तो हिम्मत और हौसले के साथ उस बीमारी का सामना करना चाहिए। जब आप चीज़ों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और फिर बीमारी को जब आप अपने माइंड पर मुसल्लत कर लेते हैं फिर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को और ज़्यादा बीमार फील कर रहे होते हैं। यहाँ मैं बोलना तो नहीं चाहती लेकिन बड़ी एक मशहूर कहावत है, मौत से पहले मौत का डर आपको मार देता है। तो बीमारी वही चीज़ है कि अगर खुद कोई आपको खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी नहीं कि जिससे आपकी कोई लाइफ खुदा न खास्ता कोई मौत या इस टाइप की बात है, लेकिन यह है कि आप जो है वो अगर खुश रहेंगे ना तो वो तमाम चीज़ें आपके असाब पे एक जहनी एक साइकोलॉजिकल इलाज भी होता है ना। आप कई बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं कि उनको बोले कि आप ये खाएं तो वो कभी नहीं खाते, उनको बोले आप नहीं
खाएं तो वो फिर जिद में खाते हैं. तो साइकोलॉजिकली आपको कई बीमारियों को डील करना होता है. ये मेडिकल का एक बहुत बड़ा एक मेजर पार्ट है. और मुझे हमारे सर थे, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि जैसे एक्सपेक्ट कर रही होती हैं खवातीन, तो उसके वो जो एक आपकी फीलिंग होती है उसके लिए कोई मेडिसिन है नहीं कि आप उसके दर्द के लिए देते. तो फॉलिक एसिड होती है, एक नॉर्मल टेबलेट है, उसका कोई नुकसान ही नहीं है, वो कोई भी खा सकता है. आपको खानी चाहिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, सब चीज़ों के लिए अच्छी है, फौलाद है. तो उन्होंने कहा वो बस हम दे दिया करते थे कि अच्छा ये आप खा लेना, इससे सही हो जाएगा. तो वो हर बार आके ना कि अच्छा मुझे कमर में दर्द हो रहा है, आप मुझे वो पीली वाली गोली दे दें, जबकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है किसी तकलीफ से. तो ये साइकोलॉजिकल इलाज भी आपको कभी कभी करना होता है. बस आप खुश रहें, अपने आप को ऐसी सराउंडिंग, अपने सराउंड योर सेल्फ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहें कि जो आपको खुशी दें और आप जो है वो फुल एनर्जेटिक रहें. फिलहाल आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपनी इस बीमारी को बीट करने के लिए, रूहानी क्या इलाज हो सकता है. जी मोहम्मद आसिफी बुर्ज से बिलोंग कर रहे हैं जुपिटर. लक हाउस की पोजीशन थोड़ा वीक है, सिक्स हाउस अच्छा नहीं है. लास्ट वर्ड 1 and 2 years से प्रॉब्लम में चल रहा है. यकीनन जब आप फिजिकली तौर पर अनकंफर्टेबल होते हैं, बीमारियों में मुबतला होते हैं, डिजीज़ को फेस कर रहे होते हैं, तो आप फिर वो बिजनेस हो या फिर जॉब हो, तो आप उससे जस्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं. और यकीनन मैं समझता हूँ फिर आप जस्टिफाई कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके माइंड पर, आपके जहन पर बीमारी मुसलत होती है. अपने आप को फ्रेश रखें. मोहम्मद आसिफ, आपका जायचा सिक्स हाउस को अच्छा शो नहीं कर रहा. लक हाउस भी इस वक्त आपका वीक है, वेट करना होगा. जब आप बहुत ज़्यादा अरसे से बीमारी को फेस कर रहे हो, तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करें, क्योंकि वो लोग जिनको कोई तंगदस्ती हो जाती है, बिज़नेस के अंदर कोई फाइनेंशली लॉस होता है, या माइंडली तौर पे वो डिस्टर्ब होते हैं, बीमारियों को फेस कर रहे होते हैं, डिजीज़ का सामना कर रहे होते हैं, हेल्थ इशूज़ प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करते रहना चाहिए. और यकीनन सदका खैरात करने से आप बीमारियों से महफूज रहते हैं, आपके रिस्क में इजाफा होता है. स्पेसिफिकली आपके लिए मैं फिरोज़ा सजेस्ट करूँगा. आपका ये बर्थ स्टोन भी है और फिज़िकली तौर पे डिजीज़ के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा. वाइट चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा. सूरह यासीन, सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बाय से बरकत हो. ठीक है जनाब, इसी के साथ वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, देखते रहें सितारों के अहवाल. वेलकम बैक नाज़रीन, आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक से वापस. और जैसे कि मैंने कहा है कि आज जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा आपके स्टार्स पे, और कोशिश करेंगे कि होरोस्कोप को हम कंप्लीट करें. तो जेमिनी तक हमने जान लिया था, यानी 3 stars कंप्लीट हो गए. सेजिटेरियस इज द स्टार ऑफ द डे, तो 4 हो चुके हैं होरोस्कोप. अब चलते हैं कैंसेरियन, जो कि है ब्राइट स्टार, रोशन सितारा और वाटर साइन पर्सनैलिटी. तो जानते हैं कि आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा. जी वाटर साइन पर्सनैलिटी कैंसेरियन, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं. इनका रूलिंग प्लैनेट हुक्मरान सितारा मून, जिसे चांद हम कहते हैं, लकी नंबर 2 एंड मंडे इनका लकी डे है. लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, 3rd हाउस की पोजीशन एंड 11th हाउस की पोजीशन बहुत ही ज़बरदस्त है. एजुकेशन, तालीम के हवाले से इनके लिए ये साल अच्छा साबित होगा, बल्कि 2018 का मिड तक इनका ये टाइम बहुत ही मुबारक रहेगा. एजुकेशन के हवाले से जो भी इनकी पर्सनल विश है, आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, एब्रॉड जाना चाहते हैं, या कोई भी कोई ऐसा टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं, तो उसमें इनको कामयाबी इंशाल्लाह मिल रही है. पाइसिस एंड स्कॉर्पियो से इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है. 7th हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ विश, जिसे मोहब्बत का, चाहत का, मैरिज का हाउस कहते हैं, ख्वाहिशात का, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इनकी जो भी पर्सनल विश है, नवंबर दिसंबर के महीने बहुत टॉप के होंगे, उस वक्त इनको पाइसिस बहुत सपोर्ट कर रहे होंगे. ये इनके अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे बिजनेस पार्टनर, इवन के अच्छे एडवाइज़र भी साबित हो सकते हैं. इनके साथ इनका स्टार मैच कर रहा है. वाइट चीज़ का सदका देना कैंसेरियन के लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा. सदका इनको हर किस्म की नज़रें बस से, बंदिशा से महफूज रखेगा. मून स्टोन, जिसे हम उर्दू में हिजुल कमर कहते हैं, या फिर पर्ल, मोती, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए बाय से बरकत होगा. 10th हाउस इनका अच्छा बन रहा है, बिजनेस के हवाले से भी इनको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं. अगर ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फूड आइटम में, एग्रीकल्चर फील्ड में, या क्लॉथ गारमेंट्स का फील्ड, ये फील्ड इनके लिए अच्छी फील्ड साबित होंगी. ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य वल कमर, सूर्य रहमान की तिलावत करना कैंसेरियन के लिए बाय से बरकत होगा. ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं शाहवेज बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से. शाहवेज साहब बात कर रहे हैं इस्लामाबाद से. जी शाहवेज, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी अपने बारे में पूछना चाह रहा था. मेरी डेट ऑफ बर्थ 1st March 1986. 1st March 1986, सही है. आपकी वालदा का नाम? वालदा का नाम है कुलसुम. कुलसुम, सही है. आपका सवाल? अली भाई से अपनी
बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आप अपना बिजनेस है ठीक है प्रॉपर्टी वगैरह का ना काफी देर से कर रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि 6-7 महीने से कुछ चीजें ऐसी लेकर रखी हुई है मैंने लेकिन ना तो वो सेल आउट हो रही है ना उनकी कोई चीज में इजाफा हो रहा है सही. तो वो जो बाउंडेड सी चीज हो जाती है ना कि जितना भी आपके पास सरमाया था आपने वो लगा लिया उसकी वजह से अपने जहनी तौर का ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ जा रहा हूँ. सही. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे छोटे छोटे काम में प्रॉब्लम आ रही है मेरी डील छोटी है अगर आज ये तो कल मेरा पक्का हो जाता है तो फिर वो मना हो जाता है. ओ. तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं अपना जो जायके की बेसिक चीजें वो बता सकते हैं मुझे इतने कम टाइम में वो मुझे बता दें. ठीक है आपको बड़ा स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है आपको बता दे तो आपका स्टोन भी बता देंगे. ठीक है बहुत शुक्रिया जी बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग जी. शाविस ही स्पाइसिस वाटर साइन पर्सनालिटी से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई जिसे मुश्तरी बुर्ज पूत कहते हैं. इनका जोडिक साइन जुपिटर लक हाउस थोड़ा इस वक्त वीक है. 10th हाउस की पोजीशन भी अच्छी नहीं है लेकिन जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं बिजनेस के हवाले से या जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी एफर्ट्स को अपनी हार्ड वर्किंग को कंटिन्यूसली जारी रखें रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अल्लाह ताला की तरफ से. बाज़ औक़ात आप सडन कामयाबी चाह रहे होते हैं सडन चाहते हैं कि वो चीज़ आपने जिसके लिए आपने स्ट्रगल किया या कोई कंस्ट्रक्शन की है वो सेल आउट हो जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है. मे बी पॉसिबल अगर आप सडन कोई जल्दबाजी में वो चीज़ को सेल करते हैं तो उसमें आपको वो फ़ायदा ना हो जो बाद में आपको अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया हुआ उस वक्त जब वो चीज़ सेल आउट होगी तो मे बी पॉसिबल उस वक्त आपको डबल फ़ायदा हो. और यकीनन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आगे आपका अच्छा टाइम बन रहा है. नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए शाबेश अच्छे बन रहे हैं. नवंबर दिसंबर में कुछ अच्छी मैं आपकी डील होते हुए देख रहा हूँ और कुछ अच्छे स्टार भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पर कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा. फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी. इसके साथ साथ सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी अच्छी है. जो भी आपकी पर्सनल विश जो कि इस वक्त तक नामुकम्मल है जिसके लिए आपने यकीनन एफर्ट्स की होंगी हेल्प भी ली होंगी 2016 के फर्स्ट मंथ से ही आपने हार्ड वर्किंग की होगी लेकिन रिजल्ट अगर आपको उस विश के हवाले से भी आपको नहीं मिल रहा तो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में आपकी वो विश भी पूरी होगी जो कि बिजनेस से हटकर है. कॉरल आपके लिए सजेस्ट करूंगा या फिर लैपिस दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा. ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ का सदका दें. सूर्य वाकया सूर्य रहमान सूर्य कुरेश की तिलावत करना आपके लिए बाय से बरकत होगा. ठीक है जनाब चलेंगे हॉरोस्कोप की जाने पर जाने के लियो जो कि है फायर साइन पर्सनैलिटी के आज उनका दिन कैसा गुजरेगा जी. हाँ लियोस जिस हम शाम से बुर्ज असद कहते हैं इनका जोडिक साइन सन लेकिन इनका वन एंड संडे इनका लकी डे है. वेल फायर साइन पर्सनैलिटी से बिलोंग करने वाले लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेहनतकश जफाकश और हिम्मत ना हारने वाले लोग लीडरशिप के अंदर खसूसियात होती है लीड करना भी जानते हैं और अपनी कामयाबियों को पाना और अपनी कामयाबियों को हासिल करना और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचने का माशाल्लाह इनके अंदर दम हौसला भी होता है और डिज़र्व भी करते हैं यकीनन. इनका फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है. इनके 9th एंड 10th हाउस की पोजिशन ज़बरदस्त है. ये साल बिजनेस के हवाले से ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा. ना सिर्फ ये साल बल्कि 2018 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर भी इनके लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है. सेक्रेटरी से एडवाइस लेकर चलना इनके लिए और ज़्यादा कामयाबी का बायस होगा. इनके कामों में आसानी पैदा हो सकती है. ये अपनी खुशियों और कामयाबियों को और जल्द करीब लेके आ सकते हैं अगर ये सेक्रेटरी से एडवाइस लेते हैं क्योंकि सेक्रेटरी अच्छे एडवाइज़र साबित होते हैं. एरीज से बिजनेस पार्टनरशिप करना इनके लिए अच्छा साबित होगा. येलो सफ़ायर या फिर रेड हकीक पेन इनके लिए बाय से बरकत होगा. ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य वशम सूर्य रहमान सूर्य मुल्क की तिलावत करना इनके लिए बाय से बरकत होगा. ठीक है जनाब लेंगे एक मैसेज कहिए ना कहें लोग कहेंगे कि जी हमने मैसेज किया था किस लिए आपने तो पढ़ा ही नहीं. और वो लोग जिनको ये शायद शिकायत होती है कि आपके मैसेजेस रीड नहीं किए गए हैं तो वो ये बात जान लें कि जैसे अगर आज कुछ मैसेजेस आपके आए हुए हैं और टाइम इतना नहीं है कि हम तमाम मैसेजेस का जवाब दें तो वो अगले दिन पर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. अगले शो में हम कोशिश करते हैं कि उनको सबसे पहले रीड किया जाए और बाद में किसी और की बारी आती है तो आप बेफिक्र रहा करें. हमारे पास मैसेज है जी सज्जाद हुसैन का. इनकी वालदा का नाम है जाहिदा जाहिदा परवीन और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31st of December 1996. कह रहे हैं बिजनेस कौन सा और कैसा रहेगा जी. ये बेसिकली इनका सवाल ये होगा कि जी कौन सा बिजनेस करूं और रहेगा कैसा कि करना चाहिए बिजनेस या नहीं करना चाहिए जी.
सज्जाद हुसैन जी, ही स्केप्टिकॉन जोहलपुर जद्दी से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका जोडिक साइन सैटर्न, लखनऊ में इनका सिक्स साइन सैटर्न, इनका लकड़ी है लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, टेंथ हाउस की पोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस वक्त प्रॉपर्टी का बिजनेस करना, फूड आइटम में, रेस्टोरेंट का, मेटल स्क्रैप का, ये फील्ड आपके लिए सज्जाद हुसैन बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल फील्ड साबित होंगी। वैसे भी आप माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक हैं और नेक्स्ट 3 to 5 मंथ आपके लिए बड़े ही मुबारक साबित हो रहे हैं। दिसंबर तक आपके स्टार की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा एक पीक पॉइंट पे होगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होंगे। वर्गो एंड टॉरस से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, ये आपके अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे। लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, फाइनेंशियली तौर पे अगले 3 to 5 मंथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे इंशाल्लाह। ब्लैक चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, ब्लू सफायर के साथ अगर आप इस वक्त छोटा सा येलो अकीक पहनते हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए बाइस से बरकत होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य फील, सूर्य फलक एंड सूर्य वाकया की तिलावत करना आपके लिए बाइस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, दोबारा चलते हैं हॉरोस्कोप की जानिब, जानते हैं वर्गो जो के हैं अर्थ साइन पर्सनालिटी के आज का उनका दिन कैसा गुजरेगा और कौन सा अगर वो काम करें तो उसमें उन्हें कामयाबी मिल सकती है। जी वर्गो, अतार उद्भुज सुमला, जोडिक साइन मर्करी, रकम इनका 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे है। ज़बरदस्त इनके साइचे की पोजिशन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हाउस, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, किस्मत का हाउस और तालीम का घर। सिक्वेंसी के साथ माशाल्लाह अच्छा लगता है जब ये एक साथ फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस किसी भी स्टार का अच्छा बन रहा हो। 2017 पर्सनैलिटी के हवाले से, किस्मत के हवाले से, तालीम के हवाले से आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। इस वक्त आपकी जो भी पर्सनल विश है उसमें आप कामयाबियों की तरफ बढ़ रहे हैं। एजुकेशन के हवाले से प्लान करना, तालीम के साथ साथ कोई भी पार्ट टाइम जॉब करना या कोई बिज़नेस करना या अब्रॉड जाकर आला तालीम हासिल करना, वहाँ पर जॉब करना आपके लिए अच्छा साबित होगा। अल्लाह ताला की तरफ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न पेश रहेंगे आपकी हेल्प करने से। ये अर्थ साइन पर्सनैलिटी से आप एडवाइस अगर लेते हैं तो आपके कामों में और ज़्यादा आसानी पैदा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन या फिर वाइट चीज़ का सदका देना आपके लिए बाइस से बरकत होगा। ग्रीन एमरल्ड के साथ अगर आप छोटा सा ब्लैक कीक भी पहन लेते हैं तो आपके लिए बाइस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, कॉलर है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सबाहर? बिल्कुल ठीक ठाक, दुआएं आपकी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सबा बात कर रही है रावलपिंडी से, अच्छा जी, सेम नाम जी। क्या पूछना चाहेंगी आप सबा? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी डिटेल्स बता देती हूँ। मेरी वालदा का नाम रजिया है। रजिया इनकी वालदा का नाम है, सही। और पूरा नाम रजिया सुल्ताना। अच्छा रजिया सुल्ताना, अभी मैं कह रही थी कि थोड़ा सा उनका टिपिकल नाम नहीं था रजिया सुल्ताना का। बहरा चले, आपकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 17th October 1994। ठीक है जी, आपका सवाल। मैं एक तो अपनी मैरिज के रिलेटेड पूछना चाह रही हूँ कि अच्छे प्रपोजल तो आ रहे हैं तो क्या ये टाइम मेरे लिए बेस्ट है अगर मैं मैरिज के लिए मैं आगे कदम बढ़ाती हूँ, क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा जो रही है कि मैं शादी करने से पूछना चाह रही हूँ, क्या ये टाइम अच्छा है मेरे लिए? कोई प्रॉब्लम लाइफ में तो आगे नहीं आएंगी, मैं ये सेट लूँ, ये बेहतर है मेरे लिए इस टाइम या नहीं? और सेकेंड, मैं अपनी स्टडी के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए मैं जाना चाह रही हूँ इंग्लैंड, तो वो सफर मेरे लिए वो भी बेहतर है या नहीं ये बता दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़ जी। सबा 17 अक्टूबर जी, शी इज लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुर्ज मिजान कहते हैं। इनका जोडिक साइन वीनस, लकड़ी में इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। लक हाउस बहुत ज़बरदस्त है, सेवंथ हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है। पर्सनल विश के हवाले से कह सकता हूँ कि नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए बड़े अच्छे साबित होंगे। खुशियाँ आपके करीब रहेंगी, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें खास तौर पर जेमिनी एंड एक्वेरियस से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। 2018 रूहानी सफ़र के हवाले से, बिजनेस जॉब के हवाले से आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। माइंड पर स्ट्रेस मत लें, डिप्रेशन में मत जाएं। सिक्स हाउस थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब निकल रहा है। अगर सडन कोई पर्सनल विश पूरी नहीं होती तो यकीनन उसमें कोई अल्लाह ताला की मसलियत हो सकती है। ओपल आपके लिए सजेस्ट करूंगा, सफ़ेद चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य कौसर, सूर्य वल असर एंड सूर्य निसा की तिलावत करना आपके लिए बाइस से बरकत होगा। ठीक है जनाब, और ये जो कॉलर थी ये भी थे लिब्रेरियन, तो अब चलते हैं लिब्रा की जानब जो कि है एयर साइन पर्सनैलिटी, और जानते हैं कि आज का उनका दिन कितना बैलेंस गुजरेगा या खुदा न खास्ता डिसबैलेंस गुजरेगा। जी लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुर्ज मिजान कहते हैं, एयर साइन पर्सनैलिटी, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर इनका 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे है। लक हाउस फर्स्ट हाउस अच्छा है, सेवंथ हाउस की पोजिशन अच्छी बन रही है।
10th हाउस भी इनका स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है। जो भी इन्होंने प्लान कर रखा है 2017 में कामयाबियों को हासिल करने के हवाले से, इंशाल्लाह वो कामयाबियाँ इनके करीब करीब आ रही हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने भी लिब्रा के लिए अच्छे साबित होंगे। अच्छे दोस्तों का साथ लेते रहें, एडवाइस लेते रहें, ख़ासतौर पर पाइसिस, जेमिनी एंड इक्वेरियस से, ये इनके अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे। स्ट्रेस मत लें, खुश रहें, ज़्यादा ज़्यादा सदका खैरात करते रहें। अपना बर्थ स्टोन वेयर कर सकते हैं ओपल, इसके साथ छोटा सा यमनी की पहनना इस वक्त इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ठीक है जी, अब चलेंगे हॉरोस्कोप की जानिब स्कॉर्पियंस की तरफ, जो कि है वाटर साइन पर्सनालिटी, और जानते हैं कि आज कौन का दिन कैसा गुजरेगा। जी, वाटर साइन पर्सनालिटी स्कॉर्पियो, जिसे मुरीख बुर्ज अक्रब कहते हैं, इनका जोडिक साइन मार्स लक हाउस, इसके साथ साथ इनका 8th एंड 9th हाउस बहुत ज़बरदस्त है। द हाउस ऑफ लाइफ, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, द हाउस ऑफ किस्मत, माशाल्लाह इनका भी मैं समझता हूँ कि अक्टूबर का महीना इनके लिए मुबारक साबित हो रहा है। 22nd अक्टूबर से इनका मैं टर्निंग पॉइंट देख रहा हूँ। अच्छे दोस्त इनको सपोर्ट करेंगे, खासतौर पर कैंसेरियन एंड पाइसिस से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। रूहानी सफ़र मैं इनका 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में देख रहा हूँ। एब्रॉड जॉब के लिए जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहकर अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इनके लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह इनको मिल रहे हैं। रेड अकीक या फिर येलो सफ़ायर, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना इनके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह आल इमरान, सूरह वल असद की तिलावत करना इनके लिए बायसे बरकत होगा। ठीक है जी, लेंगे एक मैसेज। इनका नाम है आबिदा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28th ऑफ अगस्त 1997। इनकी वालदा का नाम है गजाला, एंड शी इज़ आस्किंग प्लीज़ टेल मी अबाउट माई फ्यूचर लाइफ एंड स्टोन एंड नंबर, एंड शी सेड एक्सेट्रा। वॉट डज एक्सेट्रा मीन्स, मतलब ये सब कुछ ही जानना चाह रही हैं अपेरेंटली, तो हम अभी इनको बताएंगे सिर्फ फ्यूचर के बारे में और स्टोन के बारे में और नंबर के, इनका कौन सा लकी नंबर है। ओके, आपदा शी इज़ वर्गो, तारुत बुर्ज सुमला से बिलोंग कर रही है हमारी बहन। इनका जोडिक साइन मरकरी, लकी नंबर 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे। अगर हम इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, इस साल पर्सनैलिटी के वाले से बहुत ही मुबारक साबित होगा आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल रहे हैं। लक हाउस की पोजीशन भी अच्छी बन रही है। द हाउस ऑफ एजुकेशन, तालीम का घर भी बहुत ज़बरदस्त है। 7th हाउस एंड 10th हाउस की पोजीशन अच्छी बन रही है, खुशियाँ कामयाबियाँ आपको मिल रही है, लेकिन अक्टूबर के बाद की टाइमिंग आपके लिए अच्छी बन रही है। वो स्टार जो आपको बहुत ज़्यादा ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसमें टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये स्टार आपके अच्छे बिजनेस पार्टनर, अच्छे लाइफ पार्टनर, इवन के अच्छे एडवाइज़र आपके साबित होंगे। बर्थ स्टोन आपका येलो टोपास या फिर येलो सफायर, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। येलो कलर की चीज़ को सदका देना बहुत ही मुबारक होगा, सदका आपको नजरें बसे बंदिशा से सेफ रखेगा। ज्यादा से ज्यादा सूरह नूर, सूरह निसा की तिलावत करना आपके लिए बायस बरकत होगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ वक्त खत्म हो जाता है हमारे शो का। जैसे ये जो सवाल मासूमाना होते हैं कि एक्सेट्रा आप सब बताएं, तो आपको पता है शो में टाइम बड़ा कम होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हर चीज़ को कम्प्लीटली जो है वो किया जाए, मैसेजेस आपके लिए जाएँ, कॉल्स आपके लिए जाएँ और हॉरोस्कोप भी बताया जाए। तो आप उम्मीद है आप ये चीज़ें समझते होंगे कि तमाम चीज़ों को पूरा करना होता है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स को यूटिलाइज करें, वो लोग जो इनसे तमाम सवाल पूछना चाहते हैं, अपना कंप्लीट जायजा जानना चाहते हैं, तो ये नंबर्स इसलिए दिए गए हैं कि आप यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह शो के बाद ही आपसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको हर मुमकिन पॉजिटिव जवाब देंगे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और हमें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।